जागो लाहौर जनाब बातों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हम आपसे एक छोटी सी पहेलियों वाली गेम खेलते बिल्कुल हैं। तो हम कुछ पूछते हैं सिलेबस आपसे, देखते हैं कि हमें कितने कितने सही जवाब देते हैं। अच्छा ये आप बताएं कि पानी के बगैर समंदर कहाँ पर वाक़िया है? पानी के बगैर समंदर कहाँ पर वाक़िया है? मेरे दिल में जज्बात का समंदर। ओए होए 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 गहरी बात कर दिया। लेकिन ये नक्शे पे होता है ना सर। हाँ ये भी बात आपकी ठीक है, मगर ये भी बात ठीक है कि मेरे दिल में जज्बात का समंदर है। हाँ। इस वक्त चूंकि ये लाहौर टीवी की दूसरी सालगिरह है और मैं बड़ा जज्बाती हूँ कि हमारे इस चैनल ने प्यारे से ने दो साल में कहाँ तक मंजिल तय कर ली। अच्छा आप इतने जबरदस्त फनकार हैं, इतना आप काम कर चुके हैं, डेफिनेटली आपके पास कुछ ना कुछ एक होता है ना स्टोरी टेलिंग वाला, एक आपके पास टेक्निक और स्किल तो होगा। मैं आपके साथ एक जुमला, आपके साथ आधा जुमला आपके लिए छोड़ दूंगी, आपने उसके आगे थोड़ी सी कहानी बनानी है। ठीक है, जब मुझे पता लगा कि लाहौर न्यूज की दूसरी सालगिरह है तो मैंने उसी वक्त शर्म वाली बंदूक ढूंढनी शुरू की, चूंकि मुझे यकीन था कि उसके सेट के ऊपर बहुत से गुब्बारे होंगे, तो मैंने सोचा कि उर्मिला का जब शो खत्म हो जाएगा तो उस शर्रे वाली बंदूक के साथ सारे गुब्बारे फाड़ के घर आऊंगा। अच्छा ये बात कुछ डिफरेंट अंदाज में, किसी पठान के अंदाज में कह देते। देखो मेरा बात सुनो, जब आपने हमें बताया कि दूसरी सालगिरह तो यकीन मानो उसी वक्त में शर्रे वाला बंदूक ढूंढना शुरू हुआ, ताकि इधर आके तो शो खत्म हो तो फिर मैं चंद पैसे भी कमा लूं, रोजी रोटी का मसला भी इधर हल हो जाएगा, चूंकि गुब्बारे लाने की जरूरत नहीं है और पटे के ऊपर सजाने की जरूरत, इधर सजा हुआ है गुब्बारा, इधर हमने कैमरा मैन से कहना था लो भाई 1 रुपया पीछ रहा गुब्बारा पाड़ो। वाह ये पूरी कहानी बन गई। अच्छा अगला शहबाज शरीफ साहब के अंदाज में, मैंने अपने लिए अपनी सास के लिए खाना बनाया और पता है क्या हुआ? मैं ये आपको अलिलानिया ये कहना चाहता हूँ, देखिए 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 जब ये जब खाना बना है तो मैंने पहले ये सोचा कि ये मैं लेके तो इस वक्त मैं चूंकि जेल में हूँ तो जेल में चला जाऊँ, मगर ये न्याजी साहब जो हैं ये हमें जेल में खाना भी नहीं लेके जाने देते, इसलिए मैंने सोचा कि ये खाना घर में बाकी लोग खा लें, क्योंकि ये कश्मीरियों का खाना है और इसमें जितनी चीजें डाली जाती हैं इसको जाया नहीं होना चाहिए। वाह जबरदस्त। एक और मीरा के अंग्रेजी के आगे, अगर किसी ने मोहब्बत देखनी है तो देखे, अगर मोहब्बत देखनी है किसी ने तो फिर मुझे इस हेड से फुट तक देखे। ये हेड से फुट तक जितनी भी मेरी लेंथ है या जितनी भी जर्नी है ये सारी मोहब्बत से भरी हुई है। जर्नी हाँ, यहाँ से यहाँ तक की जर्नी, सफर नहीं किया कभी तुमने अनपढ़ और यहाँ से यहाँ नहीं किया तो सर से पांव तक का जो सफर है उसको जर्नी कहेंगे ना। अच्छा ठीक है। अच्छा अब एक पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में दिल की गहराइयों से दिल की गहराइयों से की तसी दबू दिल की गहराइयों तनहा बच जावे इतनी बड़ी गल है, दिल की गहराइयां तुसी की करना है, सिकड़ा गहराई टूबी मार के तो पैसे पड़ के ले आने ने, असि पुलिस वाले को लुदड़ नहीं केड़ी गहराई सानू दसन दे हो, उदा दा वास्ता ने ए हुक्मरान नु कहो किसी तरीके नाल गहराई च जान, जाके सोचन एक पुलिस वाला जिहड़ा 24 घंटे ड्यूटी करदा है बाहर महकमा अल्लाह जानदा उबला बैठे तेनू की दसा, ये बाहर महकमा जिहड़ा 24 घंटे ड्यूटी च हुंदा है 24 घंटे ते नलका नहीं आंदा, देखो नलके नु किसे ने गेड़ना हुंदा है ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ 24 ਘੰਟੇ ਅਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗਹਿਰਾਈ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਨਹੀਂ ਤਨਖਾਹ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਾਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਔਰ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਜੁਮਲਾ ਲਾਹੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਕੇ ਲਈ ਅਜ਼ੀਜ਼ੀ ਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਮੈਂ ਮੈਂ ਸਭ ਕੋ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਤਾ ਹੂੰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਯਹਾਂ ਪੇ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨਸ ਟੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਖੜੇ ਹੈ ਹਮਾਰੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਕੈਮਰਾ ਹੈਡ ਹੈ ਕੈਮਰਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜੋ ਹਮਾਰੇ ਦੋਸਤ ਹੈ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨਸ ਹੈ ਆਪਕੇ ਜੋ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਆਪਕੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਔਰ ਆਪ ਖੁਦ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਕੇ ਮੇਕਅਪ ਆਰਟਿਸਟ ਆਪ ਸਭ ਕੋ पूरे टेलीविजन के अमले को पूरी क्रू को MD साहब को बहुत बहुत मुबारक हो। बखुदा इसलिए नहीं कि ये मेरे अदारे का चैनल है, वाकई माशाल्लाह 2 साल के अंदर इसने जिस तरह खूबसूरती के साथ अपना नाम बनाया है और दिलों में जो जगह जितनी बनाई है ये हैरान कुन है, ये वाकई काबिल स्ताइश है और आपको दाद देने के लिए वाकई वेरी गुड वेल डन। अल्लाह ताला और अच्छा
सफर आपका बड़ी खूबसूरती के साथ तय हो और आपको और मजीद बहुत ज्यादा शोहरत, इज्जत और पजीराई मिले लोगों से। लवली लवली। अच्छा, कुछ आपकी, आपने बहुत सारे जो आपने बताया कि फनी करेक्टर्स भी निभाए मजाक वाले, अब कोई यादगार या पसंदीदा डायलॉग होता है किसी ड्रामे का, कुछ हमारे साथ शेयर करेंगे? फीका इन अमरीका, कुछ ऐसा। होए होए होए, फीका इन अमरीका में वो मेरी हमसाई है, एक बाजी सामने रहते हैं, वो एक दिन ऊपर से छत से खड़े होकर, मैं बाहर निकल रहा था, मुझे कहती है सुहेल भैन तुसी कि खामद मेरे नु खराब कर छड़े है। रजे नहीं फिर मंगनी सोचन डे तो ये लोग बड़ा प्यार, उसमें ये भी एक फिक्रा था, एक वो फीका इन अमरीका का जो बेस्ट फिक्रा मुझे लगता था वो था कि वो बाप पूछता है कि इतने दिन हो गए तेन वर्कशॉप जाने तेनू गड्डियां दे काम ते पाया है की सीखी है तो थोड़ा सा फीका सोच के कहता है हुन मैं सीधा वर्कशॉप पहुंच नहीं जाता। शाबाश। और उस तरह एक बड़ा प्यारा ड्रामा था हमारा शर्तिया मिठे, उसका वाइंड अप का बड़ा खूबसूरत डायलॉग था, वाइंड अप सीरियस था उसका, वो बच्चे पकड़े जाते हैं बाप के आगे आके, खुद पुलिस पे के आगे आ जाते हैं कि हमने ये काम किया है स्मगलिंग का, तो वो बाप की बजाय बच्चों को ले जाते हैं, तो मैं दादा था, तो वो बाप शर्मिंदा है, वो नाबीने थे बच्चे और उनको वो मांगने पे उसने लगाया हुआ है, तो मैं उनके पास जाता हूँ, अल्लाह बख्शे आबिद खान साहब, तो मैं जाके उनसे कहता हूँ, दादा कहता है कि सिर क्यों सुट ले आई है शर्मिंदगी दे नाल, ना मुरादा इन्हां नूं अपाहज ते बेकार ही समझदा रहा है, ओ चलिया इन्हां नूं ही पढ़ांदा लिखांदा चंगा समझदा ते अज तेरे लिए होर की कर दे, एक गल याद रखी ना उत्तर पावे अन्ने होन काने होन लंगड़े होन लूले होन हुंदे शर्तिया मिठे। बड़ी खूबसूरत बात है ये, बहुत खूबसूरत, ये भी बड़ा याद है, ये चूंकि ड्रामा माशाल्लाह दैट इज अ सुपर हिट, हाँ जी, काफी अरसा चला और हर शख्स ने देखा, पूरी दुनिया में लोग मिलते हैं ऐसे और बड़े बड़े मतलब जिनको थिएटर के साथ कोई, उन्होंने ये ड्रामा जरूर देखा, शर्तिया मिठे, और एक और ड्रामा था हमारा बड़ा मजा आएगा, लाजमन ये दोनों ड्रामे देखे होते हैं हर शख्स ने माशाल्लाह, वो ये शर्तिया मिठे ऐसा प्ले था कि फिर ये डायलॉग भी सबको याद। बिल्कुल। अच्छा, आपने एक निशई का किरदार भी निभाया। जी हाँ, वो था कोठा, ड्रामा कोठा बिल्कुल, उसके कोई वो मस्ताना साहब का ड्रामा था और उसमें वो खुद एक्टर भी थे और वो डायरेक्शन मेरी थी और स्क्रिप्ट मस्ताना साहब ने लिखा था और वो भी बड़ा खूबसूरत चला, बहुत प्यारा चला, वो भी बड़ा काफी अरसा चलता रहा और वो भी लोगों ने बड़ा देखा, बड़ा देखा वो भी। अच्छा सुरेमे साहब, चूंकि हमने क्लोजिंग के जाने बढ़ने, हम चाहेंगे मेहदी हसन साहब के अंदाज में कुछ हम सुने और फिर हमें इजाजत दें। ये तो आपने वो वाला काम बता दिया है जो जितने भी गाने वाले लोग हैं वो मुझे मारना शुरू कर। नहीं नहीं, ऐसा अच्छा, एक मैं आपको बात बताऊं, बिल्कुल मैं इंतहाई ज्यादा बुजुर्गों का अदब करने वाला हूं। मेहदी साहब के हवाले से मैं आपको एक बात बता देता हूँ, मेरी और मेहदी साहब की इस तरह की दोस्ती थी, वो हिंदो पाक में बल्कि मैं समझता हूँ एशिया में ऐसा सिंगर कोई नहीं आया, वो एक बहुत बड़े आदमी थे, बहुत बड़े आदमी थे, और मेरी उनकी दोस्ती ऐसी थी कि मैंने उनको अपना थिएटर दिखाया, ये लफ्ज दिखाया पे जोर इसलिए दिया कि ये शर्मिंदगी वाला है, उनको क्या दिखाना था, उन्होंने कहा भी यही, मैं उनके पास चला गया, उस वक्त मुझे जुनून चढ़ा हुआ था कि मैं अपने साथी फनकारों को, एज डायरेक्टर जब मैं काम करना शुरू हुआ तो मेरे जहन में आया कि ये इन लोगों को ये अहमियत का एहसास दिलाऊं कि ये थिएटर बहुत खूबसूरत मीडियम है,
इसको बड़े बड़े लोग देखने आते हैं, तो मैं मुख्तलिफ शख्सियात को लेके आता था हाल में। तो मैंने जाके मेहदी साहब से कहा, मैंने कहा भाई आपको मैं थिएटर ड्रामा अपना दिखाना है। तो ऐसे बड़े प्यार से हंस के मुझे देख के कहते हैं, अरे सारी जिंदगी नहीं देखा थिएटर, क्या दिखाएगा तू मुझे। वो मैंने फौरन मैंने कहा ये मैंने गलत बात कह दी है, मैंने कहा मुझे माफी दे दें, असल में आपको हाल में बिठा के हमने देखना है। बड़े प्यार से हंसना शुरू हो गए। मैंने कहा हमारी इज्जत बढ़ गई, इज्जत बढ़ जाएगी, हम लोगों में ये चाह रहे हैं कि ये एहसास पैदा किया जाए और उजागर किया जाए कि थिएटर एक अहम चीज है, इसको बड़े लोग देखते हैं, तो प्लीज तशरीफ ले आइए। वो आ गए, सारा हाल खड़ा हो गया, क्लैप करता रहा बहुत देर तक, बहुत देर तक, आज तक मुझे याद है, हर शख्स हाल में खड़ा हो गया। मेहदी साहब वो शख्सियत हुए हैं। और मुझे जब पहला प्रेसिडेंट अवार्ड मिला मुशर्रफ दौर में, तो वो भी मैंने सीन अपनी आंखों से देखा हुआ है कि मेहदी साहब को भी अवार्ड से नवाजा गया, और मेरी खुशकिस्मती कि मैं भी उस तकरीब में था अपना अवार्ड लेने के लिए। तो वो अनाउंसमेंट होती है, नाम लिया जाता है, तो वो फनकार आके प्रेसिडेंट के सामने एक स्पॉट पे खड़ा हो जाता है, और फिर उसके हवाले से कुछ उसका इंट्रोडक्शन पेश किया जाता है कि क्यों दिया जा रहा है ये अवार्ड। तो वो फिर प्रेसिडेंट की तरफ जाते हैं और फिर वो अवार्ड उनका। मेहदी साहब का जब इंट्रोडक्शन ख़त्म हुआ तो प्रेसिडेंट मुशर्रफ उतर के उनके पास आ गए खुद, वो व्हील चेयर पे थे मेहदी साहब, तो वो ऐसे नीचे खड़े हो के बहुत देर तक मेहदी साहब के साथ बातें करते हैं, और कोई 7-8 मिनट के बाद जब वो सीधे हुए और उन्होंने उनको अवार्ड वो निशाने इम्तियाज लगाया, हो ऐसी क्लैप भी मैंने, ऐसी अप्रिसिएशन आवाम की तरफ से मैंने ली। तो उन लोगों की तरफ से जैसी पजीराई मैंने मेहदी हसन साहब की देखी, मुझे उस दिन बड़ा फख्र महसूस हुआ कि मैं इनके कबीले का एक छोटा सा जबरदस्त गुलाम। बेहतरीन बात कुछ उनके अंदाज में हम आपसे, उनका कोई अंदाज मुझे नहीं याद, मुझे डर लगता है। देखिए हमारी फरमाइश आ रही थी, इतनी ज्यादा लंबी बातें सुना दी है मेहदी साहब। अच्छा ठीक है, ठीक हो गया, चले थैंक यू वेरी मच चले में साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। आपका शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ बुलाया अपने शो में। देख के तो कोशिश कर रहा होता हूँ कि टीवी का कोई रास्ता मिले और मैं अंदर घुस जाऊं। अरे नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, थैंक यू वेरी मच सर कि आपने हमारा साथ दिया लाहौर न्यूज की सेकंड एनिवर्सरी पे जनाब, और हम आपसे इजाजत लेंगे। उम्मीद करते हैं आप आज का शो आपने भरपूर तरीके से एंजॉय किया होगा, और हमारी एनिवर्सरी में आपने हमारा साथ दिया, लाहौर न्यूज की सेलिब्रेशन में आपने हमारा साथ दिया। आज पूरा दिन हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन, स्पेशल प्रोग्राम चलते रहेंगे, बिल्कुल मिस मत करें, और जागो लाहौर के नए एपिसोड के साथ, नई एनर्जी के साथ हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।